अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिर शाह मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खास खबरों पर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की काबीना में शामिल वज़रा को कलमदान तफवीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारियां सौंप दी। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीना ने करारदार मंजूर कर ली। जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे की बहाली के लिए वजीर आजम ने जो वादा किया है उसको पूरा किया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन के लिए कहा तरुण चुग। तवील खुशक मौसमी सूरत हाल के बाइस शहरी श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में पानी की किल्लत। पुलिस में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई, नौजवान कहीं गर्नेट समेत गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। अब्दुल रहीम रोहतर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के नए स्पीकर होंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला इजलास माही नवंबर में मुनक्कद होने का इम्कान। महकमे मौसमियात की जानिब से नया मौसमी कैलेंडर जारी, जम्मू कश्मीर में 22 अक्टूबर तक मजमू तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान। जैनापुरा शुपियन में गैर रियासती मजदूर की लाश पुरस्कार तौर पर बरामद, पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी बर्क्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूस का दौरा करेंगे। सुरनकोट पुछ में दो मुलाजमीन बिजली करंट लगने से जख्मी, लोगों का एहतजाज, महकमे बिजली पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। ये थी आज दिन भर की कुछ खास खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।